तो आज मैं घर पे नहीं थी, असल में हमारी अस्पताल में मीटिंग थी, तो सुबह से यह अस्पताल मीटिंग में थी, तो फिर वहाँ से आई हूँ। तो इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सो भी थी। आज मिस्त्री आया हुआ था, एक दरवाज़ा बनवाना था दुकान का, शटर तो हमने बाहर से लगवा दी थी, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खड़ा था क्योंकि मिस्त्री को टाइम नहीं मिल रहा था, वो नहीं आ रहे थे। जो हमारे बड़े मिस्त्री ने, छोटे मोटे मिस्त्रियों का काम नहीं था, काफ़ी मुश्किल काम था, अंदर से लंटर लगा ना जैसे ये वाला यहाँ, तो इस वजह से फिर वो भी बड़े मिस्त्री आए हैं, तो आज उन्होंने तो टाइम दिया। कितने दिन, महीना हो गया उनको कह कह के आज उन्होंने टाइम दिया, तो दुकान का दरवाजा ये निकाल दिया है। अब इसका अब क्या काम है, प्लस्तर हो गए मुकम्मल। तो आज मैं जा रहा हूँ कार को बनवाने के लिए। कार का थोड़ा सा वो इधर से टूट गई है ना उस दिन, ये भी दिखाना है, और आगे से भी टूटी हुई है। कौन से आगे क्या, तो पहले की टूट हुई है ना ये वाली जगह, ये देखिए ये सेट हो जाएगी, ये वाली जगह टूटी। कौन सी है, मुझे तो नहीं नजर, ये वाली थोड़ी सी है, बिल्कुल थोड़ी सी है। और क्या, तो क्या यहाँ क्या होगा, असल चीज तो यही है कार की। नहीं ये क्या होगा, अगर ये वाली टूट जाए यहाँ से भी, तो गाड़ी के दो हिस्से हो जाते हैं, यहाँ से अगले टायर अलहदा हो जाएंगे, पिछले अलहदा। ये फिर नहीं लगेगी, क्या पता वेल्ड करेंगे क्या करते हैं, अभी दिखाते हैं ना उनको। जब हम गाड़ी ना, ये धक्के लगते हैं ना, देखी नहीं है ऐसे ना, उस वक्त भी थी थोड़ी थी, इस वक्त अब धक्के ज्यादा लग गए ना, सिद्धांत के धक्के लग गए ना, ऐसा ऐसा इसकी चीजें टूट रही है। एक एक पुर्जा हो जाएगा, जैसे मोटरसाइकिल का हुआ था, अब दिन को चलाना नहीं आता। मोटरसाइकिल का कहाँ है वो, इसको छत के ऊपर रखो, यहाँ से कोई उठा लेगा। ये देखिए आज से तकरीबन 30 साल पहले वाली है, कितनी मजबूत है, कितनी वजनी है, ये तो उठाई भी नहीं था। मैं तो कहती हूँ मेरे जो हेल्थ हाउस वाला दरवाजा है ना, हाँ उसी पर लगाएंगे, उसी पर लगाएंगे, इसको उसकी साइड पे खड़ा कर दो, इसको ऊपर दरवाजा लगवाना है ना, वो दरवाजा इसको छत पे रखते हैं। और ये दरवाजा, ये दुकान वाला है, जो दुकान पे लगा हुआ है, हाँ ये दुकान में जो पहले दरवाजा लगा हुआ था ना, अब छटा लगा दी, दिखाई है वीडियो में, पहले वीडियो दिखाई मैंने, पहले दिखाई थी, लेकिन अब फिर दोबारा से लगा दो, दिखा दो, क्योंकि दुकान का थोड़ी बहुत हमारी चल रही है अभी तक भी, क्योंकि अब सीजन ख़त्म हो गया है गंदम का, तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चल रही थी, एक महीना एक आध महीना देर करके, जब कार के पैसे उतर जाएंगे ना, तो फिर काफ़ी सारे सौदे दुकान में डालेंगे। और मेरा इरादा है कपड़ों की दुकान लगाने का, तो वो भी इंशाल्लाह लगाएंगे। तो आज गुड़िया की एक दोस्त आई हुई है, गुड़िया सड़े कितना है, मैं को पानी पिलाया था, हाँ नहीं पिलाया, किरण की छोटी सिस्टर आई हुई है आज, गुड़िया आज खुश है, मैं कपड़ा तो चाल रख गुड़िया उसे, किरण नजर तो नहीं आई कार शीशे में, अब किरण बस बहुत ही करीब है, दिन के किरण आ जाएगी भी फिर, कितना गुड़िया है, कितना है, आज सुबह से हमारे घर है गुड़िया के साथ, गुड़िया के साथ खेल रही है, क्या आज इधर होगी रात को, चलो गुड़िया मैं तो अभी जा रहा हूँ, फिर आप खेलो, कार बनवाने जा रहा हूँ, तो अभी बाहर से दिखाते हैं शटर, ये देखिए अंदर से अब खत्म हो गया, दरवाजा अब निकाल लिया, यहाँ पे सारी सीमेंट लगाई है, प्लास्टर करवाया है, पढ़ाती है गुड़िया, डांस कर रहा था, फटे हैं देख लिया, ये देख दरवाजा तोड़ के इसको लगाया हुआ है शटर को, और नीचे से भी और ऊपर से भी प्लास्टर कर दिया है, फातिमा भी साथ आई हुई है। तो अभी ना
मैं सोच रही थी कि मेरे कपड़े नहीं है, रोज एक ही सूट धोती थी आप पहनती थी, लेकिन आज ना बड़ी बैग्स खोला है ना तो उसमें 3-4 सूट निकल आए गर्मियों के पिछले साल रखे थे। ये वाला है, ये आपका है ना? नहीं क्या है? नहीं मेरा है, 2-3 सूट और भी हैं। तो मैं सोच रही कि कल तक ना कपड़े लेती, अभी एक कपड़े नहीं लेती, अभी 4-5 सूट पिछले साल वाले पड़े थे, अब मुझे पता भी नहीं था, याद भी नहीं था। आज हफ्ते बाद नजर दे पे किधर आवे के जगह है बावे और शहजाद या कैनडा सा पूछना था क्यों ना सारे तक ना पछता हुआ चंगा है कार तू असना है ये के लुक का खड़े एक्जेक्टली दे तेरा वाला ये और आवे दिया अस्सलाम वालेकुम और क्या थी ये का कुछ बोल दू ते सावो पेन वाला उड़ साओ क्या थी ये तक दुआ को मरी वेने पे आवे देवाल कपड़े से तैयार कपड़े असल में इनके पास आई है कहीं से शादी की रोटी बहुत दूर से तो पता नहीं वो क्या हो गया था इतने दूर से गर्मी बहुत ज्यादा ना खट्टी थी पता नहीं क्या इन्होंने खा ली पूरी फैमिली ने सबके पेट में गड़बड़ हो गई ऐसे सब ठीक हो गए उल्टिया शुरू हो गई पूरी फैमिली को छोटी बच्ची तक तो इलाज कर कर के कोई चीज मिला के तो नहीं दी थी कुछ मिला के तो नहीं दिया उन्होंने पूरी जो बस्ती है ना जहाँ से वो सारे जो है चावल पका के सबके साथ ऐसे हो गए सब के साथ शादी की रोटी पूरी बस्ती ने खाई है ना पूरी बस्ती के साथ ऐसा हो गया सब मीठा सोडा तो नहीं मिला दिया था तो इस वजह से जो काफी दिन अंदर पड़े रही है घर के अंदर निकले भी नहीं है मैं तो तकरीबन 4-5 दिन निकला भी नहीं हूँ अंदर पड़े रही है तो आज बाहर निकले आई जी आज अमित तुम्हारी कहाँ है बस्ती में वीडियो बनाने तो पापड़ खा वल तबीयत खराब थी सी तेरी डटे आज मोटरसाइकिल दे ना मोटरसाइकिल से किताबे मोटरसाइकिल से गया है चला गिंदा है का नाम डटा का नाम है ब्रेक लास चढू है ओ तले में ये पिया डू इकट्ठा भरे को मार दे डटा का नाम है मुंह से हुरी आप पे नाल चागिन हां नाल चागिन कुरिया कितने दिन हो गए आई भी नहीं कितने दिन पता है क्या कल ना हुरी आई है हमारा वो दरवाजा बंद था और ये गेट भी बंद था बेचारी बाहर से ना चल फिर के चल बाबा चली गई घर जाके अपनी मी को बता रही थी कि दरवाजे बंद है वो दरवाजे नहीं खोलते तो घूम फिर के वापस चली गई है दिन को असल में गर्मी होती है बहुत ज्यादा इस वजह से फिर वो नहीं आती अब ईद के बाद जो है ना क्या जाएंगे मरी अच्छा अब मैं जा रही हूँ घर किधर घास काटने जा रही हूँ उतना बाया गया त्रुटि वजह का तो बनाने पे चली गई थी तो आज के लिए घास नहीं काटा तो अभी जा रही हूँ घास काटने तो अभी घर वापसी आ गया हूँ तो जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ क्योंकि आज जुमरात था तो आज सारी वर्कशॉप बंद हो गई थी हर कोई अपने घर चला गया था तो वो कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन आना और अम्मी अभी इंतज़ार में बैठी थी कि कब भर भर कर लिया इतना सफर भी किया है वो था फोन कर दे नंबर नहीं था उसका नंबर ले किरण किधर जा रही है कुछ बना रही है किचन में क्या बना रही है तो कल आधी से भी ज्यादा वीडियो बनाई थी तो आधी आज बना अस्सलाम वालेकुम आज मेरी भाई जी को बुलाते को आज 15 तक कोई बात मेरे को घर आप कौन सा मेरे पास इनको पता है कि मेरे काला का कोई नहीं है मेरे सिवा मेरा कौन है तो पता करूं नहीं नहीं मेरा कौन है तेरे तो माँ बाप तो बहन भाई तो है तो बहन भाई की नहीं है तो आप मैं भी वहाँ पर कल शाम हो रही है आपको पता है कितनी प्यारी है भाई आप हो रही आपको भी देखा बीमार हो गए इतना बच्चे आपको पता नहीं है मुझे क्या पता मैं आप आते ना मुझे पता सब कल अहमद ने बताया नहीं था सब तो वीडियो में बता रहा था मुझे क्या पता कि ऐसे बोल रहा है नहीं नहीं बीमार हो गए सब बाकी बीमार हो गए थे बुरा है अभी भी बीमार क्या अच्छा थी कि रोटी खाई है इस वजह से हां कहीं से ही थी वहां जमा से आती थी उनकी शादी की रोटी थी तो वो खाई है फिर पता नहीं क्या था वो खराब हो गई सालन फ्रिज नहीं था ना उनके पास तो खराब हो गया था तो वो खा लिया तो बच्चे बीमार हो गए और मुझे आपको अब तो साथ ले आती गर्मी कितनी है इतनी गर्मी है पूरे 15 दिनों के तकरीबन रोक है ना ये मेरे पास आई है एसी चलाया और ना मैं इनके पास गई हूँ ये मेरे से नाराज थी कि खा मेरे बच्चे बीमार नहीं ये नहीं है मैं इससे नाराज थी कि ये 15 दिन हो गए मेरे पास क्यों नहीं आई इकट्ठी हुई है ना गिला शिकवा किया है एक दूसरे से ना रात को ये पहले रात को भी आ जाती है फिर रात को भी नहीं आती तो रात दिन को ये ना रात को ही
क्योंकि जना जब शाम हो जाती ना बच्चे छोटे जो रहन हो रही है एक बराबर हो गई है अब तो दोनों तंग करती है दोनों को सुलाना होता है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे फैमिली में एक काला भांजी का रिश्ता है जो अभी तक कैद है और हम डरते रहते हैं कि हम दोनों में भी कोई फूट ना पैदा हो जाए। हम दोनों से एक दूसरे का साथ दे रही है इंशाल्लाह। कोई भी हमारा और कोई भी नहीं है हमारे सिर्फ मेरे अम्मी अबू हैं बस मेरी खाला हमारी बेहतरीन अल्लाह तआला सलामत रखे हम दोनों को और लड़ाई कभी ना हो। 15 दिन तो गुजर गया अब आना रहा तो ठीक है आऊंगी आऊंगी अब हर रोज याद करे आते थे ना। एक दिन आई थी शहजाद भाई के पास लेकिन मैं ना आप नहीं थी वो उधर गए हुए थे अब वो सब किस देख लेंगे थे। मेरे तो गए इधर हमारे इलाके में सब के साथ थी तो किरण खड़ी थी आपने थे मुझे इन्होंने नहीं बताया कि आप आई। मैंने कहा कि मैं खाला के पास जाती हूँ तो मुझे अहमद कह भी रहे थे कि मुझे चली गई है मैंने फिर भी कहा कि मैं कहते शायद आ गई होगी तो एक घंटा मैं बाद आई हूँ तो आप नहीं थे तो मैंने कहा पता नहीं कब आई फिर मैं चली गई वापस। क्या कह रहे हो बुढ़िया क्या कारोबार भी करेंगे किरण क्या बना रही है किरण कोई चीज बना रही है मेरी जान किचन में घुसी होगी चावल बना रही होगी क्योंकि हर रोज वो चावल बनाती है इतने गर्मी में क्या बना रही है हर रोज चावल बनाती है बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है अंदर एसी चला हुआ है तो कमरा बहुत ज्यादा ठंडा था बाहर बहुत ज्यादा गर्मी क्या बना रही है इतने गर्मी में सेवैया बना रही हो क्यों तभी किराना ये सेवैया बना के आ गए हम सोच रहे थे शायद चावल बना रही है पर हम आप सब लोग चावल के चावल मैंने कहा चावल है शायद पर हम सब लोगों का प्यार मोहब्बत देखो एक ही कटोरी में सारे लोग खा रहे हैं मैं भी वीडियो बना के मैं भी खाऊंगा सिर्फ आप मीठा नहीं खाता थोड़े से चेक कर लूंगा याद रखा अल्लाह हाँ सारी वीडियो